हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कैरियर नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम सी टेट का जो फॉर्म निकला है उसके बारे में जानेंगे। उसकी कितनी क्या कुछ फीस है, लास्ट डेट क्या है, कौन इसको अप्लाई कर सकता है, तो कंप्लीट डिटेल हम आज की वीडियो में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। अगर आप स्टेनो का कोर्स करना चाहते हैं या फिर स्टेनो से रिलेटेड आप किसी को गाइड करना चाहते हैं, अपने फ्रेंड को, रिलेटिव को, सिस्टर को, किसी को भी अगर आप स्टेनो का कोर्स करवाना चाहते हैं या फिर स्टेनो से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। और फ्री में इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस को वॉच करके, यहाँ से आप स्टेनो सीख सकते हैं और ग्रुप सी और डी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपकी कुछ क्यूरीज रहती है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। एज सुन एज मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम सी टेट की जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है। सी टेट सबसे पहले क्या होता है। सी टेट होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो ये टीचर के लिए सेंट्रल यानी कि सेंटर में अगर किसी को टीचिंग करनी है, गवर्नमेंट टीचिंग करनी है, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। अब इसकी क्या कुछ फीस है और ये फॉर्म आप कब से भर सकते हैं। इसका जो फॉर्म है वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और इसको फीस जो है, इस फॉर्म के लिए फीस है जनरल और ओबीसी। अगर आप यहाँ पर दो एग्ज़ाम्स हैं, पहला एग्ज़ाम है 1 से 5 क्लास यानी कि जिसे हम प्राइमरी बोलते हैं, अगर उसके लिए आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, वो टेस्ट देना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए आपको 700 पे करना होगा अगर आप जनरल और ओबीसी से हैं। अगर आप दूसरा पेपर भी देना चाहते हैं यानी कि 5th से 8th क्लास का अगर आप पेपर देना चाहते हैं, सेकंड पेपर जो है, अगर वो भी देना चाहते हैं, जनरल और ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो उसके लिए आपको 700 पे करना होगा। अगर दोनों ही एग्ज़ाम देना चाहते हैं यानी कि फर्स्ट और सेकेंड अगर आप देना चाहते हैं दोनों, तो आपको उसके लिए 1200 पे करना होगा। अगर आप SC ST या फिर आप डिफरेंटली एबल पर्सन है, तो आपको फर्स्ट एग्ज़ाम देने के लिए 350 पे करना होगा। अगर सेकंड देना है, ओनली सेकंड देना है, तब भी आपको 350। अगर आपको दोनों देने हैं यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों एग्ज़ाम देने हैं, तो आपको इसके लिए 600 पे करना होगा। और जो पेमेंट का मोड रहेगा वो आपका ई चलान रहेगा, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप अपनी जो फीस है उसका सबमिशन कर सकते हैं। अब हम इम्पोर्टेंट डेट्स जानते हैं। इम्पोर्टेंट डेट क्या है। इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी 1 अगस्त से, और लास्ट डेट एप्लीकेशन को फिल करने की 27 अगस्त। और इसमें जो पेमेंट है, पेमेंट को आप 30 अगस्त तक कर सकते हैं। और पीरियड ऑफ ऑनलाइन करेक्शन, अगर कुछ करेक्शन रहती है तो वो आप 6 से 10 सितंबर तक आप कर सकते हैं, यानी कि 6 से 10 नवंबर तक, सॉरी सितंबर तक आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर पोस्ट। जो पोस्ट है यानी कि जो क्लास, जो प्राइमरी स्टेज है यानी कि 1 से 5 क्लास के जो स्टूडेंट्स के लिए अपना टीचर का जो टेस्ट है वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर मेंशन है। काफ़ी बड़ा है इसका जो नोटिफिकेशन है, तो वो इस वीडियो में अगर हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। अगर आप इस टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं या फिर आप इस टेस्ट को देना चाहते हैं, तो आप उस नोटिफिकेशन को रीड कर लीजिए। आपको उसका जो लिंक है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। वैसे यहाँ पर जो नॉर्मली है, एटलीस्ट यहाँ पर आपकी 12th होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप प्राइमरी के लिए देना चाहते हैं तो आपके पास एटलीस्ट 12th होनी चाहिए, और उसके बाद आपका 2 ईयर मिनिमम आपका डिप्लोमा होना चाहिए आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन से, यानी कि जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड से रिलेटेड आपके पास 2 ईयर का एटलीस्ट डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप किसी हायर यानी कि अगर आप किसी और अच्छी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आपका जो एलिजिबिलिटी टेस्ट हो रहेगा उसमें जो आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन है वो अलग अलग यहाँ पर डिफाइन कर रखी है, बट जो यहाँ पर आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो 12th होनी चाहिए। उसके बाद आपका अलग अलग यहाँ पर क्वालिफिकेशन, जैसे कि 4 ईयर की आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन से, 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, इस तरीके से अलग अलग यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिसाइड कर रखी है। नेक्स्ट है यहाँ पर सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी यानी कि 5th से 8th क्लास के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर आपको बैचलर डिग्री पास होना चाहिए, और यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से अलग अलग क्राइटेरिया डिफाइन कर रखा है। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप जिस भी ऑप्शन को प्रेफर करेंगे उसको सिलेक्ट करके और उसके अकॉर्डिंग आप इसको फिल कर सकते हैं। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप रीड करके
और इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बता रहे हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन है या फिर इसके इक्विवेलेंट एटलीस्ट आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए और आपके पास फाइनल यानी कि आपके पास 4 ईयर की बैचलर डिग्री होनी चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। यानी कि यहाँ पर अगर मिनिमम की बात की जाए तो 12th प्लस आपके पास 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए और एक अच्छी पोस्ट के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन होनी चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स से आपकी एलिमेंट्री जो है एजुकेशन वो आपकी 4 ईयर का आपके पास आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है यहाँ पर इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आप इसका फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.thepossiblelearning.com। आपको इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो वो लिंक पे आपको मिल जाएगा। एग्जाम का शेड्यूल क्या है वो लिंक पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। नोटिफिकेशन हिंदी और इंग्लिश अगर आप किसी भी लैंग्वेज में डाउनलोड करना चाहते हैं दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर जाना चाहते हैं इस वीडियो के थ्रू तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी नोटिफिकेशन है जो आपका वो डाउनलोड कर रखा है और जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो भी डाउनलोड कर रखा है। तो मैं यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता देती हूँ। एग्ज़ाम शेड्यूल जो है आपका वहाँ पर नॉर्मली आपको कब अप्लाई करना है, क्या लास्ट डेट है, ये यहाँ पर मेंशन है। और उसके बाद जो टाइम शेड्यूल है आपका, डेट ऑफ एग्जामिनेशन फर्स्ट पेपर की और सेकेंड पेपर की दोनों यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। तो आप यहाँ से उसको चेक करके पहले से ही आप इन सब चीज़ों से अवेयर हो सकते हैं कि आपका टेस्ट कब कब कंडक्ट किया जाएगा, क्या टाइमिंग रहेगी। तो ये था आपका नोटिफिकेशन, सॉरी ये था आपका एग्जाम शेड्यूल। अब है आपका नोटिफिकेशन यानी कि जो सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट रहेगा सीटेट का, उसके अंदर जो नोटिफिकेशन है उसमें कम इन्फॉर्मेशन है। क्या आपका यहाँ पर सिलेबस रहेगा, फीस ऑलरेडी हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, और जो आपके पेपर का पैटर्न रहेगा एग्ज़ाम जो ये वाला है ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनकी सिलेबस में क्या कुछ आएगा ये सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ऑलरेडी इसके अंदर मेंशन है नोटिफिकेशन में। और यहाँ पर जो आपका प्रोसीजर है किस तरीके से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं वो भी यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। अब ये देखिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो सी टेट का फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर का दोनों का मेंशन है। अब पेपर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पर आपका 150 मार्क्स का जो टोटल आपका टेस्ट रहेगा जिसमें अलग अलग आपके सब्जेक्ट है जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी ये आपका 30 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पे 30 आपको क्वेश्चन मिलेंगे। लैंग्वेज फर्स्ट कंपल्सरी जो है जिसमें 30 आपके क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के। लैंग्वेज सेकेंड जो कंपल्सरी है उसमें 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन मिलेंगे। मैथमेटिक्स 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन एंड एनवायरमेंटल स्टडीज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। तो इस तरीके से टोटल जो फर्स्ट एग्जाम है उसके लिए आपको 150 मार्क्स के आपको मिलेंगे। और जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट सेकेंड जो एग्ज़ाम है, सेकेंड एग्ज़ाम है उसके लिए भी यहाँ पर अलग अलग जो सब्जेक्ट है ये देखिए यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट है और यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स का अगर आप फिल करना चाहते हैं जैसे कि आप इंग्लिश के क्योंकि सेकेंड पेपर थोड़ा सा हायर लेवल का है तो यहाँ पर अगर आप इंग्लिश हिंदी जिस भी सब्जेक्ट्स को आप प्रेफर करेंगे तो वो यहाँ पर आपको अलग अलग कोड है। तो जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से ले सकते हैं। और जो सेकेंड एग्ज़ाम है वो भी आपका 150 मार्क्स का रहेगा और उसका भी जो कम्प्लीट यहाँ पर स्ट्रक्चर मेंशन है, जो सब्जेक्ट्स रहेंगे कितने मार्क्स के रहेंगे वो यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। और एग्ज़ाम के सेंटर हैं वो भी यहाँ पर ऑलरेडी इसी नोटिफिकेशन के अंदर आपको मिल जाएंगे। एग्ज़ाम के सेंटर जो इम्पोर्टेंट्स हैं वो सभी के सभी यहाँ पर है, आप अपना प्रायोरिटी जिसको भी देना चाहें वो यहाँ से दे सकते हैं। अभी देखिए जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है यानी कि सिलेबस से रिलेटेड जो आपका सिलेबस स्ट्रक्चर है वो देखिए यहाँ पर है, आप यहाँ पर कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है उसको देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर है पेज नंबर 15, जब आप इसके नोटिफिकेशन में देखेंगे तो यहाँ से आपको इसके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी सिलेबस के रिगार्डिंग। ये देखिए यहाँ पर मैथ का सिलेबस, आपका एनवायरमेंटल स्टडीज़ का जो सिलेबस है, पेडोलॉजी का सिलेबस है,
पेपर फर्स्ट और सेकंड, यानी कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इसी नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। और सबसे एंड में यहाँ पर आपको मिलेगा इस के जो एग्ज़ाम सेंटर है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे, वो भी यहाँ पर मेंशन है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और फिर भी कुछ क्यूरीज रहती है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।